हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर द चेरी ट्री, और ये पार्ट थर्ड है। तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो पार्ट थर्ड पे, तो पहले जाकर आप पार्ट वन देखो, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगी। और मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप जाओ पहले पार्ट वन देखो, फिर ये पार्ट देखना, ओके? और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके का हेल्प मैं कर सकूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विथ द प्लांटिंग एंड प्लॉइंग एंड सोइंग। ही वॉज थीनर बट स्ट्रॉन्गर वेन ही केम बैक टू ग्रैंड फादर्स हाउस एट द एंड ऑफ द रेन्स टू फाइंड दैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट। तो इस मानसून में राकेश जो है वो अपने दादाजी को छोड़कर अपने माँ के पास गए थे, माँ और पापा के पास गए थे, क्योंकि गांव में उसे हेल्प करना था मम्मी पापा का प्लांटिंग करने में, फसल उगाने में। प्लांटिंग एंड प्लॉइंग एंड सोइंग, प्लांटिंग का मतलब है प्लांट उगाना, प्लॉइंग का मतलब होता है हल जोतना, और सोइंग का मतलब होता है जो बीज को खेतों में फेंका जाता है उसे कहते हैं सोइंग। ही वॉज थीनर, और वो पतला हो गया था, बट स्ट्रॉन्गर वैन ही केम बैक टू ग्रैंड फादर्स होम। वो पतला हो गया था राकेश, बट जब ग्रैंड फादर के पास आया तो पतला था और वो पहले से स्ट्रांग था। और ये देखने के लिए वो एक्साइटेड था कि चेरी ट्री कितना बड़ा हुआ। तो वो देखा कि चेरी ट्री हैड ग्रॉन अनदर फुट, एक फुट बढ़ गया है। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, और राकेश के चेस्ट के तक चेरी ट्री आता था। इवन वेन देयर वॉज रेन राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री, ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि जब भी बारिश भी होता था ना, तो राकेश वो उस प्लांट पे पानी डालता था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर। इससे प्लांट को ये पता चले कि राकेश प्लांट के साथ ही है। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मेंटस पर्च्ड ऑन अ ब्रांच पियरिंग एट हिम विथ बल्गिंग बल्गिंग आइज। राकेश लेट इट रिमेन देयर, इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। तो एक दिन देखा राकेश कि उस चेरी ट्री पर एक वो जो फतिंगा होता है, टिड्डी जिसे कहते हैं टिड्डी, तो वो टिड्डी उस प्लांट पर आकर बैठ गई, बैठी हुई थी। पियरिंग एट हिम विथ बर्गलिंग आइज, बगलिंग आइज मतलब कि उसे ध्यान से देख रही थी उसके पत्ते को। राकेश लेट इट रिमेन देयर, और राकेश उसे कुछ नहीं किया। राकेश बोला तुम रहो, क्यों रहो? क्योंकि तुम फर्स्ट विजिटर हो इस ट्री का, तुम इस ट्री को देखने के लिए पहली बार आई हो इसीलिए। द नेक्स्ट विजिटर वॉज हेरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स। तो कैटरपिलर आपको पता होगा कि बटरफ्लाई जो बनता है उससे पहले कैटरपिलर रहता है। आई होप आपको पता होगा, शायद अगर नहीं पता है तो पता कर लो, कि जो बटरफ्लाई होता है उससे पहले कैटरपिलर रहता है। द नेक्स्ट विजिटर व्हाट वॉज हेयरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स। और वो जो कैटरपिलर है कीड़ा के जैसा रहता है, वो पत्ता को खाने लगा था। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ अ ड्राई लीव्स। और फिर राकेश उस कीड़ा को उठाया और फेंक दिया सूखे पत्ते के ऊपर। कम बैक वैन यू आर बटरफ्लाई ही सेड, और बोला कि जाओ तुम यहाँ से, और वापस आना तभी जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगी। विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्री बेंट लो विथ द हाइट ऑफ स्नो। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड एंड फॉर सेवरल डेज देर वॉज नो न्यूज़ पेपर एंड इन एंड दिस मेड ग्रैंड फादर क्वाइट ग्रम्पी। हिज स्टोरीज बिगेन टू मेक अनहैप्पी एंडिंग्स। इन फेबरवरी, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ। फिर विंटर आया, बहुत जल्दी आ गया था इस बार भी विंटर, और जो चेरी ट्री है वो झुकने लगा था। झुक इसलिए रहा था क्योंकि चेरी ट्री के ऊपर पूरा बर्फ लदा हुआ रहता था। और द फील्ड माइस सॉट, तो फील्ड माइस सॉट का मतलब जो खेत में जो चूहा रहता है वो नज़र बनाए हुआ था अपना कॉटेज के लिए, मतलब अपना घर के लिए वो चूहा वहाँ पे नज़र बनाए हुए था उस चेरी ट्री पर। और बर्फ के कारण रोड भी क्लोज हो गया था, जिसके कारण ग्रैंडफादर का न्यूज़पेपर भी नहीं आता था, जिसके कारण ग्रैंडफादर जो है वो थोड़े से सुस्त टाइप के हो गए थे।
और ही स्टोरी बिगेन टू मेक हैव अनहैप्पी एंडिंग, और उसके स्टोरी जो सुनाते थे ग्रैंडफादर वो अनहैप्पी एंडिंग होता था वैसे उस स्टोरीज का। इन फेब्रुवरी इट वॉज राकेश बर्थडे, और अब फेब्रुवरी आ गया है और अब राकेश का बर्थडे है। ही वॉज 9 और अब ये वो 9 साल का हो गया है, और जब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट किए थे तो राकेश सिर्फ था 6 साल का, अब राकेश हो गया है 9 साल का। एंड द ट्री वॉज 2 और जो ट्री है वो 2 साल का हो गया, बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, बट ट्री जो है वो कितना लंबा हो गया, तो वो राकेश के जितना लंबा हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन, लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स ही सेड। फिर एक सुबह जब सूर्य भगवान निकले तो ग्रैंडफादर गए गार्डन में, और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि चलो थोड़ी मेरी हड्डियों को गर्माहट मिल जाए सूर्य की धूप से। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ चेरी ट्री स्टार्टेड इट एट फॉर अ फ्यू मोमेंट एंड देन कॉल्ड आउट राकेश कम एंड लुक कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स। तो कुछ देखे ऐसा जो ग्रैंडफादर राकेश को पुकारने लगे कि राकेश जल्दी आओ देखो यहाँ पे इससे पहले कि ये गिर जाए। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल, देयर वाज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। तो राकेश और ग्रैंडफादर दौड़े हुए उस प्लांट के पास गए और ऐसा लग रहा था कि वह प्लांट कोई मिरेकल कोई चमत्कार कर दिया हो। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच। तो अब जो है वह चेरी का सीड निकलना स्टार्ट हो गया था, मतलब कि कोढ़ी फूल बनने से पहले जो कोढ़ी रहता है वो बनने स्टार्ट हो गया था। द इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अब जो है चेरी ट्री से प्लांट भी निकलेगा। द फॉलोइंग ईयर देर वेयर मोर ब्लॉसम्स एंड सडनली द ट्रीज वॉज टॉलर देन राकेश, और जो नेक्स्ट ईयर था नेक्स्ट साल बहुत सारा ब्लॉसम आया और वो जो ट्री है वो राकेश से भी बड़ा हो गया। इवन दो इट वॉज लेस एज हाफ हिज एज, वो अलग बात है कि जो ट्री का उम्र है वो राकेश से भी आधा है। एंड इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज, और बता रहे हैं कि ये तो ग्रैंडफादर से भी बहुत ज़्यादा एज का है, ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा एज का है और ओक ट्री से भी ज़्यादा एज का है। बट राकेश हैड ग्रोन टू, ही कुड रन एंड जम्प एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ऑल दो ही स्टिल लिसन लाइक लिसनिंग टू ग्रैंडफादर टेल्स। अब राकेश जो है वो बड़ा हो चुका है और राकेश अब कूदता है खेलता है, वो ट्री के ब्रांचेस पे चढ़ जाता है, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी राकेश को अभी भी बहुत पसंद है कि वो दादाजी से कहानियाँ सुने। इन द चेरी ट्री बीस केम टू फीड टू द नेक्टर इन द ब्लॉसम्स एंड टाइनी बर्ड्स पिक्ड एट द ब्लॉसम एंड ब्रोक देम ऑफ, but the tree kept blossoming right through the spring and there were always more blossom than birds. तो कह रहा है राकेश यहाँ पे कि in this cherry tree bees came to feed on the nectar of the blossom, और फिर जो वो tree है tree का जो वो फूल है cherry का उस पर मधुमक्खी आके बैठती है और उससे नेक्टर उसका ले लेती है सभी और फिर उड़ जाती है और बाद में वो blossom टूट के गिर जाता है। but The tree kept blossoming right through the spring and there were always more blossom than birds. और जो भी मतलब और जितना दिन बीतते गया ट्रीज में और भी बर्ड से और बीज से भी ज़्यादा ब्लॉसम्स होने लगा था। That summer there were small cherries on the tree. Rakesh tasted one and spat it out. It is too sour, he said. गर्मी के मौसम में उस प्लांट से छोटी छोटी चेरी होने लगे थे और राकेश उसे टेस्ट किया एक और जैसे ही वो मुंह में डाला उसे तुरंत फेंक दिया और बोला कि ये तो बहुत खट्टे हैं। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर और भी मीठा फल होगा। बट द बर्ड्स लाइक देम स्पेशली द बिगर बर्ड्स सच एज द बुलबुल एंड स्कारलेट मिनीवेट्स एंड दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द फॉलेज फेस्टिंग ऑन द चेरीज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं लाइक बुलबुल वो सब क्या करते हैं कि वो सब आता है उड़ के कहीं से
और उस चेरी के जो चेरी का जो खट्टा खट्टा जो छोटा छोटा चेरी है चेरी प्लांट का, उसे खा के ख़राब कर देते हैं। ऑन द वार्म सनी आफ्टरनून व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी, राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर एंड कुडंट फाइंड हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेस अराउंड द हाउस। अब गर्मी का मौसम आ चुका था और एक दिन राकेश अपने दादाजी को ढूंढ रहा था। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। फिर देन ही लुकड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री। फिर वो देखते हैं कि दादाजी चेरी ट्री के नीचे जो छाँव है वहाँ पर बैठे हुए हैं चेयर पे। देयर इज़ अ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ सेड हीयर, सेड ग्रैंडफादर, और बोले कि ये जो चेरी ट्री है यहाँ पे बहुत अच्छा अमाउंट का छाँव है। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं इन पत्तों को देख रहा हूँ। तो दे आर प्रीटी लीव्स, सेड राकेश, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज़ अ ब्रिज। और राकेश बोला जब भी हवा बहती है तो ये सारे पत्ते मानो नाचने लगते हैं। आफ्टर ग्रैंड फादर हैड कम इनडोर्स, राकेश वेंट इन टू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री। जब ग्रैंड फादर घर घर आ गए, घर के अंदर आ गए, तो राकेश जो है वो ग्रास पे ही वहाँ पे लेट गया बीनीथ द ट्री, ट्री के नीचे। ही गेज्ड अप थ्रू द लीव्स एट द गेट ब्लू स्काई एंटर्निंग ऑन ही साइड्स, ही कुड सी द माउंटेन स्ट्राइडिंग अवे इन टू द क्लाउड्स। ही वॉज स्टिल लाइंग बीनीथ द ट्री वाइल द इवनिंग शैडो क्रीप्ड अक्रॉस द गार्डन। ग्रैंड फादर केम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल इट इज़ डार्क। और फिर उस दोपहर से शाम हो गया और शाम से रात होने को चला। वो राकेश और ग्रैंड फादर दोनों उस प्लांट के नीचे बैठे हुए थे छाँव में और देख रहे थे पहाड़ों को। देर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सेड राकेश, वॉट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, वाई डू वी लाइक इट सो मच। राकेश कहता है कि इस फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्री है, बट क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है इस ट्री में जो हम लोग इसे बहुत चाह रहे हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ। ग्रैंडफादर बोले कि इसे हम लोग ना लगाए हैं इसीलिए ये बहुत स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, सेड राकेश, बोले एक छोटा सा बीज। एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन, और फिर उस ट्री के बार्क को छूते हुए बोला कि बस एक छोटा सा बीज कितना बड़ा हो गया। ही रैन हिज हैंड अराउंड द ट्री, और ट्री को वो सहलाते हुए एंड पुट हिज फिंगर इन द टिप ऑफ द लीव्स, और उन ट्री के पत्तों को छूते हुए ये बोला आई वंडर, ही विस्पर्ड, इज दिस वॉट ही फील्स टू बी गॉड। और बोलता है कि ये मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो मैं ही भगवान हूँ। एंड यस, अगर उस दिन फ्रेंड्स अगर राकेश जब 6 साल का था तो जब वो बीज खाकर फेंक देता तो शायद वो चेरी ट्री नहीं लगता, बट राकेश उस बीज को अपने फिंगर टिप से अच्छे से उसे लगाया और आज इतना बड़ा प्लांट हुआ। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आपको कैसा लगा ये स्टोरी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल पाए, वो भी सीख पाए। अगर एक्सप्लेनेशन के बाद फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट एक चैप्टर में।